हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनुष करोड़ एजुकेशन। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी का, जो कि है चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस दो चैप्टर के पूरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने उन्हें पढ़ा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ, डायरेक्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ना बात करके हम बात करते हैं एलिमेंट्स पर। पहले हम लोग किस पर बात करते हैं? एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो चलो एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं बेसिकली। ठीक है, एलिमेंट्स को जानने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। ओके, व्हाट इज मैटर? ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो भी चीज आप अपने अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ क्या है? मैटर है। तो मैटर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो है एनीथिंग एनीथिंग दैट हैव सम मास, दैट हैव सम मास, कुछ तो भी उसका मास हो, और साथ ही साथ में एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज, इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की? एक तो उसके पास कुछ मास होना चाहिए, दूसरा उसे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे उसको? मैटर है। और यहाँ पर एक पॉइंट जो इसमें एडिशनल ऐड हुआ है आजकल, वो ये है, इट कैन बी परसीव्ड बाय, इट कैन बी परसीव्ड बाय, और हम यहाँ पर फेल्ट बाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, फेल्ट बाय एनी ऑफ आर सेंसेस, बाय एनी ऑफ आर सेंसेस। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है, उसे हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर मैंने मास नहीं लिखा था, अब लिख देता हूँ, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, और क्या? इट कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आर सेंसेस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अब जो मैटर होता है ना, उसको हमने क्या किया? फर्दर क्लासिफाई किया। ठीक है, मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया, किस किस में किया? एक तो हमने किया मिक्सचर्स में। ठीक है, हम मैटर के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो मिक्सचर, और दूसरा हमने किया प्योर सब्सटेंसेस में। ओके, मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। तो प्योर सब्सटेंसेस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? एलिमेंट नाम देते हैं। ओके, प्योर सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोलने वाले हैं? एलिमेंट्स बोलने वाले हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मिक्सचर में क्या क्या आ जाता है? मिक्सचर में आ जाते हैं आपके कंपाउंड्स। ठीक है, मिक्सचर में आ जाते हैं आपके कंपाउंड्स। फर्दर मिक्सचर्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, दैट आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बट आपको ये पता जरूर से होना चाहिए। ओके, चल तो मुद्दे की बात क्या है कि जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अभी आप एक चीज को समझ गए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज व्हाट? एलिमेंट। यहाँ पे हम एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? सिंपली ये लिख के, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। ओके, क्लियर है? एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, या आयरन का सिंबल होता है Fe। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, आयरन, और यहाँ पर आपको कॉपर, ठीक है, सिल्वर, ये सिल्वर का सिंबल होता है, Cu कॉपर का सिंबल होता है। ठीक है, अगर आपको पता हो महंगी सी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो है Au, इसका मतलब होता है गोल्ड, ये गोल्ड का सिंबल है। ठीक है, आपने बल्ब तो देखा ही होगा, उसमें होता है टंगस्टन, उसका फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, W उसका सिंबल होता है। ठीक है, इन शॉर्ट जो भी आप अपने आसपास देखते हो, सब में कहीं ना कहीं क्या इन्वॉल्व है? एलिमेंट इन्वॉल्व है।
तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या बोल रहे होते हैं, एलिमेंट। जब यही एलिमेंट कंबाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में तो क्या बनता है, कंपाउंड। बट अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स होंगे ना, इनकी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इन एलिमेंट्स की क्या होने वाली है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जैसा आप जानते हो कि जो मैटर है, अब हमें फिर से एक बार मैटर के बारे में बात करनी पड़ेगी कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एटम्स जो होते हैं वो हम पहले ऐसा जानते थे कि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं होगा, दीज आर अनडिविजिबल, दीज आर अनडिविजिबल, ये हमें डेल्टन ने बताया था और एक ऋषि थे महर्षि कनद, उन्होंने भी बताया था। और एटम का जब बात की जाती है तो एटम को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि वो ऐसा स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में होते हैं, इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एन लिख देता हूँ, ओके, स्मॉल एन लिख देता हूँ यहाँ पर, राइट। तो आप समझ गए, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, और ये जो बाहर ऐसे सर्कल आपको दिख रहा है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, जब भी एटम्स, अब देखो, जब मैटर, मैटर ही क्या था, मैटर में ही क्या आ रहे थे, आपके मिक्सचर्स आ रहे थे और एलिमेंट्स आ रहे थे। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वही तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा, वहां से कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें पार्ट कौन लेगा, उसमें पार्ट लेगा इलेक्ट्रॉन। कौन पार्ट लेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे होता है जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बंधे हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि आज हमें एटम के अंदर प्रेजेंट टोटल 35 पार्टिकल्स की जानकारी है। कितने पार्टिकल्स की जानकारी है, 35 पार्टिकल्स की जानकारी है। ठीक है, मैं जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर दूंगा। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये सब आप समझ गए ना, केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन पार्ट लेने वाला है, यानी जो एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम में से, एलिमेंट के मैटर के बेसिकली, है ना, अब हम एलिमेंट की बात करते हैं, तो एटम्स में से कौन जाएगा या कौन आएगा, किसकी एंट्री होगी या किसकी एग्जिट होगी। तो हम यहाँ से एंट्री के लिए साइन बना देते हैं ये वाला एरो, और एग्जिट के लिए बना देते हैं ये वाला एरो। ठीक है, सपोज करते हैं कि किसी एटम में एंट्री हो रही है इलेक्ट्रॉन की, या उससे क्या हो रहा है, उसका एग्जिट हो रहा है। क्लियर है, एंट्री हो रही है या फिर एग्जिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री या इलेक्ट्रॉन का एग्जिट। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, अंदर जा रहा है, और यहाँ पर छूट रहा है, इससे बाहर जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमें किस बात पे गौर करना है, इलेक्ट्रॉन पे। तो हम लोग जब क्लासिफाई करने आए एलिमेंट्स को, तो हम लोगों ने उन्हें इसी बेस पर क्लासिफाई किया। हमने बोला कि जो एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। ठीक है, और ये आपको आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में पूरा पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। और जो भी कहानी मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताई है, ये कहानी के लिए बोला जाएगा कि आप अपनी क्लास 9th की पुस्तक को रेफर करें, या आप वहां पर इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। हमारी किस बात पर, कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लूज
करेगा या फिर छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा उसे क्या बोल देंगे हम कि वो क्या है, मेटल है। क्या है वो, मेटल है, समझ गए बात को, हाँ या ना। और फिर जो जो एलिमेंट दोनों करेगा, जो एलिमेंट दोनों करेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं गेन भी करेगा और लूज भी करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन मेटल बोल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट, एलिमेंट गेन और लॉस दोनों करेगा, गेन और लॉस दोनों करेगा, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडीशन में गेन करता हुआ दिखाई पड़ेगा और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में लूज करता हुआ दिखाई पड़ेगा, समझ गए बात को। गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे मेटेलॉइड। क्या नाम देंगे उसे हम लोग, मेटेलॉइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेन और लूज इलेक्ट्रॉन दोनों कर सकता है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रोजन, कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला था, मेटेलॉइड, MeTALLOID, मेटेलॉइड, ठीक है। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो भी मैंने आपको बताई। चलिए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पर, ठीक है। अगर आपको इन सब बातों में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ अब यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, हमारी एनसीईआरटी की शुरुआती लाइनें क्या बोल रही हैं, वो ये बोल रही हैं कि इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट। देखिए मैंने एलिमेंट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये सारी बात हो गई, ओके। फिर क्या यहाँ पर, थिंक ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर uses of metals and non-metals in your daily life, ठीक है। तो जैसे metal की बात करें, आप metal से क्या क्या बना सकते हैं, आप metal से utensils बना सकते हैं, metal से आप क्या करेंगे, utensils बनाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे metal के uses लिख दूंगा, बाजू में मैं non-metal के uses लिख दूंगा। metal से आप utensil बना दोगे, electric wiring बना दोगे, ठीक है, है ना। जो भी चीजें आप, जैसे कार आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी बॉडी कैसे बनती है, मेटल से बनती है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें आप बना सकते हैं, आप भी कुछ सोचिएगा। ये मेटल हो गया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन मेटल के यूजेस। तो सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल जो हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सही सुना आपने, अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, है ना। उसके बिना लाइफ संभव है क्या, आंसर है नहीं। तो ऑक्सीजन, ठीक है। और क्या होता है हमारा नॉन मेटल, बहुत सारे नॉन मेटल है, जैसे आप बात करेंगे नाइट्रोजन की, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल। हीलियम की बात करें आप, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें आप, सारे के सारे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सोच लिया आपने, है ना। ऑक्सीजन का डेली लाइफ में आप कहाँ यूज कर रहे होते हैं भाई, सांस लेने के लिए, ओके। और जो N2 है नाइट्रोजन, उसका कहाँ इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उनमें भी किया जाता है, जो लाइफ सपोर्ट पर ऑक्सीजन यूज करी जाती है, या फिर जो ऑक्सीजन सपोर्ट यूज करी जाती है स्कूबा ड्राइवर के द्वारा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्कूबा ड्राइवर के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें भी कुछ अमाउंट ऑफ N2 जो है वो भरा जाता है, ठीक है। क्यों, उसका रीजन आपको मिलेगा क्लास 12th में जानने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये लेक्चर है ये पूरा का पूरा कन्फाइंड हो 10th तक ही। अगर आप चाहेंगे क्लास 12th में आपको क्या जानने मिलेगा इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर लूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ हम जल्दी जल्दी क्रिस्प क्रिस्प पढ़ें सब कुछ और अपने चैप्टर को जल्दी जल्दी क्या करें, कंप्लीट करें। ये हो गया हमारा N2। यहाँ पे हीलियम, हीलियम का भी यूज होता है, जानते हो आप, गुब्बारा देखा होगा आपने जो हवा में उड़ता है, है ना वो। फिर उसके बाद आप H2 की बात करेंगे, H2 बोले तो हाइड्रोजन, इसका भी आप यूज करते हैं, ठीक है, इसके भी कई सारे यूज आप देखेंगे। और भी आप नॉन मेटल्स देख सकते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं। चलिए तो यहाँ से हम चलते हैं आगे और, हाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक व्हाइल कंसिडरिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अगर आप इस पर जाएं, देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखो क्या है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई
कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है या नहीं लेता है, ये आप बहुत पुख्ता तरीके से अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आईज से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। आप क्या देख सकते हो? जो चीज आपको दिखती है, यानी आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे। किसकी बात करोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे, ठीक है। अभी मुझे एक और चीज याद आ गई, यहाँ पे नॉन मेटल में आपका ग्रेफाइट भी आ जाएगा, ठीक है। ग्रेफाइट जानते हो आप क्या होता है? ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन का एक फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बन ही होता है ग्रेफाइट। उसको हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका एक और खास बात है कि नॉन मेटल है लेकिन ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 4 में देखने को मिलेगा, ये आपके ही सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। उसके बारे में हम बात करेंगे हालांकि, पर आप ग्रेफाइट यहाँ पर समझ जाइए। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही टिप्पणी कर सकते हैं किसी भी चीज की देखकर। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या देखते हो मेटल्स की? आप देखते हो कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता हुआ मिल जाएगा आपको। क्या कंडक्ट कराता हुआ मिल जाएगा आपको? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता हुआ मिल जाएगा। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेटल्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नॉन मेटल्स, ठीक है। ये देखिए भाई, ये आ गया मेटल्स और ये आ गया नॉन मेटल्स। तो मेटल की क्या खास बात है? मेटल की खास बात है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता हुआ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्ट लेता हुआ मिल जाएगा। और इसके आप बर्तन बनाते हो, यानी ये हीट कंडक्ट कराता हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। हीट कंडक्शन करता हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, आपने कभी भी चांदी को देखा होगा, सोने को देखा होगा, ठीक है, या इवन अपने स्टील के चमचे को देखा होगा, चम्मच को देखा होगा, या प्लेट को देखा होगा। सब क्या करते हैं? शाइन करते हैं। सब क्या करते हैं? शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। और फिर जब आप किसी मेटल को पीटते हो, यानी आपके स्कूल में घंटी तो होगी, कई सारे लोगों के स्कूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाली घंटी होती है ना। कई सारे स्कूलों में क्या होता है, ऐसी घंटी होती है, एक ऐसा ऐसा रहता है, और उस पर हथौड़े से क्या करा जाता है, मारा जाता है। तो बेसिकली हथौड़े से मारने पर क्या होता है? आंसर है साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, जो आपको आगे देखने मिलेगा चैप्टर में, वो होता है सोनोरस नेचर। क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोनोरस, सोनो रस, ठीक है। ये बात यहाँ पर समझ जाइए आप, ओके। चलिए, अब नॉन मेटल की बारी आती है। तो नॉन मेटल की बारी में आपको इसका अपोजिट देखने को मिल रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए नहीं मिल रहे। हाँ, एक्सेप्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरली, जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जनरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और डू नॉट कंडक्ट हीट एज वेल, डू नॉट कंडक्ट हीट, ठीक है। और डू नॉट शाइन, जनरली लिख सकते हैं यहाँ पे, शाइन करते हुए नहीं मिलते। हाँ, और शाइन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है लक्षर, LUXGURE। तो मेटल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर लक्षरस इन नेचर, ये आपको लक्षर लक्षर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और जो हमारे नॉन मेटल होंगे कैसे होंगे? नॉन लस्चरस होंगे, शाइन नहीं करेंगे, और साथ ही साथ साउंड भी प्रोडक्शन नहीं होंगे, यानी ये सोनोरस भी नहीं होंगे, ठीक है। नॉट सोनोरस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉट सोनोरस, ओके, डू नॉट है नॉट सोनोरस, उनको पीटने पे आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे एनसीईआरटी पर, है ना। देखो क्या लिखा है आगे, हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो सिंपल सी बात है कि जो प्रॉपर्टी होगी जिस भी सब्सटेंस की, हम लोग उससे ही तो डिसाइड करेंगे ना कि उसका यूज क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल, जैसे हम लोगों को अगर कोई शाइनी अपेयरेंस वाली चीज बनानी है तो हम वो नॉन मेटल की नहीं बनाएंगे। अगर हमें कोई हार्ड चीज बनानी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बनानी है, तो वो हम नॉन मेटल की नहीं बनाएंगे, वो हम किसकी बनाएंगे? मेटल की ही बनाएंगे, क्लियर है।
है ना, खाने के बर्तन बनाने तो हम नॉन मेटल के नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं करता, ओके okay? हम मेटल का ही यूज करेंगे वहां पर। स्कूल की घंटी बनानी होगी तो हम मेटल का की ही बनाएंगे, नॉन मेटल की नहीं बनाएंगे। समझ में आया? होपफुली आपको सब समझ में आया होगा, है ना। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पर। देखो वो सब देख चुके हैं, जो जो वहां पर मैंने लिखा है अब वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा एक कहानी के द्वारा। क्या बोला इन्होंने? मेटल, द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कि आपको अगर किन्हीं भी सब चीजों का क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जो भी आपको बाहर से दिखे, जो भी आपको बाहर से दिखे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे क्लास में मान लो कि आपकी क्लास में जितने भी, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें इन्हें दो भागों में बांटना है, अब इन्हें दो भागों में बांटना है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। तो बेसिकली हमने क्या क्लासिफाई करा, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेस पर डिवाइड कर दें कि जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिसके भी हमने बोल दिया 75 के ऊपर परसेंट आ रहे हैं, 75 के ऊपर परसेंट आ रहे हैं, वो सारे के सारे ए में आ जाएं। जिसके भी 75 के नीचे परसेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएं? बी में आ जाएं। हाँ या ना? तो हमने किस बेस पर बांटा? उनके मार्क्स के बेस पर जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं लगता उतना एफिशिएंट तो आप दूसरा भी ले सकते हो। जैसे हमने बोल दिया कि ए सेक्शन में, दूसरे बार में क्या करा, ये वाला मान लो आपको नहीं समझ आया तो आप दूसरे उस तरीके से भी समझ सकते हो। कैसे? आपने बोल दिया, टीचर ने बोला कि ए सेक्शन में सारी की सारी क्या रहेंगी? गर्ल्स रहेंगी, ठीक है, और बी सेक्शन में सारे के सारे क्या रहेंगे? बॉयज रहेंगे, ओके। तो भाई गर्ल्स का फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, उनके बाल लंबे होते हैं, है ना, उनकी बॉडी थोड़ी अलग होती है, और वैसे ही जो बॉयज हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? अलग होता है। तो आप फिजिकल बेस पर ही दोनों को क्लासिफाई कर सकते हो या नहीं? आंसर है सर, ये वाला समझ में आ गया, है ना, कर सकते हो। बेटा मेरा एग्जाम्पल ये जो था, ठीक है, मेरा, मैं कोएड एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे ही जनरली एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको चीजें क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया जाता है किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग। आप ये भी यहां से समझ जाए, क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? ग्रुपिंग, ओके, दैट्स इट, नाइस। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब हम एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है, एक्टिविटी 1 से 6 करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज कौन कौन सी लिखवाई है, टोटल 1 2 3 4 चार प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, जो दो नहीं लिखवाई है ना वो आपको वहां से मिल जाएंगी, समझ गए, क्योंकि वो 6 एक्टिविटी परफॉर्म करा के आपको यही 6 एक्टिविटी परफॉर्म करा के यही यहाँ से ही 6 प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, ठीक है। और ये पोटेंशियल क्वेश्चन होता है एग्जाम का, ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू हो या वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन हो या फिर वो आपकी रिटर्न हो, ठीक है, दोनों में ही आपके काम में आएगा। चलो आ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या बोला भाई, कुछ मेटल्स के क्या करो, वो ले लो, सैंपल ले आओ। कौन कौन से ले आओ? आप आयरन ले आओ, कॉपर ले आओ, एल्यूमिनियम ले आओ, मैग्नीशियम ले आओ, सोडियम ले आओ और लेड ले आओ, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या ले आओ? जिंक ले आओ, और भी दूसरे मेटल ला सकते हो जो इजिली अवेलेबल हो, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब एक्टिविटी 1, इसमें क्या बोला, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट देयर अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। तो आंसर है, देखो अपीयरेंस यानी वो कैसे दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, शाइनी अपीयर होंगे, ठीक है। क्लीन द सरफेस सच बाय सैंपल ऑफ रबिंग देम विद सैंड पेपर, ठीक है, क्या होगा, हो सकता है कि वो ज्यादा शाइनी ना दिख रहे हो शुरुआत में, लेकिन आपने क्या करा, जो भी, जैसे मान लो ये हमारा मेटल का सरफेस है, लेट्स कंसिडर दिस इज द सरफेस ऑफ आर मेटल, ये हमारे मेटल का सरफेस है, ठीक है, इस पर कुछ तो भी डस्ट जमी हुई है, सपोज करते हैं ना, ये है यहाँ पर किसकी लेयर है, डस्ट की लेयर है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया कि आप सैंड पेपर से इसे घिसो, सैंड पेपर से क्या करो, इसे घिसो। तो जब आप इसे, हाँ, जब आप इसे देखो सैंड पेपर से घिसोगे तो ये डस्ट यहाँ से रिमूव होगी कि नहीं होगी,
आंसर ऐसा हो रही है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो अपियरेंस है वो कैसा दिखने लग जाएगा आपको, शाइनी दिखने लग जाएगा। समझ गए बात को, इसीलिए मैंने आपको पहला प्रॉपर्टी ही मतलब लास्ट वाली बताई थी। क्या बताई थी कि जो मेटल है वो कैसे होते हैं, शाइनी अपियरेंस के होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण, और मोर स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, आ जाओ आप तो मेटल्स, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, मेटल्स इन प्योर स्टेट, मेटल्स इन प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। ओके, सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस एक्टिविटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लक्षण, मार्क कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाइए 3.2 पर, देखो क्या बोला है, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ एंड नोट द ऑब्जर्वेशन। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है कि वो नहीं कटेंगे, आंसर है कि वे वो नहीं कटेंगे, इसका मतलब वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं मेटल्स आर हार्ड, क्या लिख देंगे, मेटल्स आर हार्ड। यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी निकल के आएगा, जो हमने यहाँ पर नहीं नहीं लिखा है वो लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी निकल के आएगी मेटल्स में, वो क्या निकल के आएगी, मेटल्स आर हार्ड, बस मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक्सेप्शन या फिर हम जैसे बोलते हैं विच इज नॉट इन द ग्रुप और डज नॉट चेंज द सेम, डज नॉट शो द सेम प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे एक्सेप्शन कौन निकल के आएगा, सोडियम, कौन निकल के आएगा, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम होता है ना वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि वो एक नाइफ से भी कट जाए, सोडियम नाइफ से भी क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, आप इसको नाइफ से भी काट दोगे तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना, ये नाइफ से कट जाएगा। ओके चलो, तो हम लोग चलते हैं वापस अपनी एनसीईआरटी पर, क्या लिखा है यहाँ पर, समझ गए ना, ये मैंने आपको पूरा डायरेक्टली बता दिया, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, और सोडियम से ना बच के भी रहना चाहिए, ये भी याद रखना, क्योंकि जो सोडियम होता है ना, क्या होता है, सोडियम वो हाईली रिएक्टिव होता है, कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही, O2 के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है। ठीक है, इवन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और इवन अगर आप इसको वाटर के कांटेक्ट में ले आए, जरा सा भी वाटर इसमें आपने टच करा दिया है ना, तो वो एक्सप्लोजिव की तरह आपको दिखेगा, किसकी तरह, एक्सप्लोजिव की तरह। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज गलत बोल रहा था कि डायरेक्टली O2 के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इसको H2O क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, H2O। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ H2O, किससे के संपर्क में आते ही क्या होता है, ये जलने लग जाता है। ठीक है, ओके चलो, क्या लिखा है यहाँ पे, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है ना, हर एक मेटल की अलग अलग हार्डनेस होती है, कोई ज्यादा हार्ड होगा, कोई कम हार्ड होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, 3.3, टेक पीसेज ऑफ आयरन एंड जिंक, लेड और कॉपर। ठीक है, आयरन ले लो, जिंक ले लो, लेड ले लो और कॉपर ले लो, क्या करो, हर एक मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 to 5 विथ हैम टाइम्स विथ हैमर। तो आंसर आएगी कि हमें यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इससे आवाज आएगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सोनोरस, नहीं 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 सॉरी सॉरी, साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो साउंड वाली आगे आएगी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये हमें क्या दिखाएगी कि ये जो मेटल्स हैं ये वायर बनेंगे, क्या हो जाएंगे, इनसे वायर फॉर्मेशन होगी धीरे धीरे करके, ये क्या हो जाएंगे, वायर के फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और भी ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि मेटल से आप हैमर जब करते हो ना उन्हें, तो आप शीट भी बना सकते हो, क्या बनेगी इनकी, शीट, ऐसे चौकोर शीट, ऐसी शीट। ठीक है, ऐसी शीट, कभी कभी बोलने में आगे पीछे हो जाता है, सॉरी, जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये दिस प्रॉपर्टी क्या लिखा है यहाँ पर, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ये वाली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। आप इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करें, ठीक है, कि आप मेटल की क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, मेटल की क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी जो वायर बनती है ना, वायर के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डक्टिलिटी, क्या वर्ड यूज करते हैं, डक्टिलिटी, अभी आने वाला है, डक्टिलिटी अभी आगे आने वाला है। ठीक है,
So now let's add this point to our difference table. क्या कि metals are malleable. क्या लिख देंगे हम लोग? Metals are malleable. ठीक है, इसका मतलब है can be converted into sheets. Can be converted into sheets. काय के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? Sheets के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, ये हो गया यहाँ पर. फिर क्या है, मेलिबिलिटी हो गई. और इसमें ना आपको एक और चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है कि जो गोल्ड होता है वो सबसे मेलिएबल मेटल होता है. क्या लिखा है? डिड यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल. ठीक है, बहुत मेलिएबल मेटल होते हैं ये गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, और उसमें भी गोल्ड सबसे ऊपर है. ठीक है, मतलब गोल्ड की ना आप इतनी पतली लेयर बना सकते हो कि सिर्फ एक एक एटम वहां पे प्रेजेंट हो, इतनी पतली. ठीक है, इसका जो यूज था ना गोल्ड का, ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट में हुआ था. ठीक है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट में किया गया था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था. ये आपको कहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने? 9th क्लास में. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड ने ये जो हमारी थिन शीट ऑफ गोल्ड है इसको बम्बार्ड करवाया था. मतलब इस पर क्या डलवाए थे? अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम के, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस. हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम में से आप क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो बचेगा क्या? हीलियम. हीलियम प्लस टू हो जाएगा, बस यही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है. ये आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे और 9th में भी ये आपको बताया गया है. ठीक है, कि इसका यूज किया था गोल्ड का. और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि गोल्ड का क्यों इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसकी आप सबसे थिन शीट बना सकते हो. ठीक है ना, चलो तो अब आपको ये फैक्ट याद रहेगा होपफुली. चलिए आगे चले, इंपॉर्टेंट चीज है ये. फिर आती है मेलिबिलिटी पर, यानी आप इनकी क्या कर सकते हो, वायर बना सकते हो. ठीक है, आगे आएगा अभी. चलो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट द मेटल्स जिनकी आप वायर बनाते हो. तो आंसर क्या है, कॉपर की वायर आपको देखने को मिल जाती है ना जनरली, सिल्वर की भी बन जाती है. और गोल्ड की बात करोगे तो ये इतना डक्टाइल होता है, यानी आप इसकी वायर इतनी लंबी बना सकते हो कि 2 किलोमीटर लंबी वायर बना लो 1 ग्राम गोल्ड से. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो. ठीक है, 2 किलोमीटर लंबी वायर सिर्फ किससे बना लो? 1 ग्राम गोल्ड से. हाँ, ठीक है, चलो आगे चलते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स. ठीक है, मतलब मेटल को क्यों हम लोग अलग अलग तरीके के शेप्स में ढाल सकते हैं, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उनसे? बिकॉज ऑफ देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी. बिकॉज ऑफ देयर डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी. तो मैं यहाँ पर चाहूंगा कि हम अपने टेबल में और एक चीज ऐड करें, वो क्या? मेटल्स आर मेलिएबल. मेटल्स आर मेलिएबल तो कर चुके हैं. मेटल्स आर डक्टाइल विच मीन्स यू कैन कन्वर्ट देम इनटू फॉर्म ऑफ वायर. ओके, क्या है, कन्वर्ट, ये लिख दें हम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ वायर. है ना, वायर के फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, डन. चलो अब आते हैं हम लोग आगे. तो अब आप यहाँ पर और भी चीजें लिख सकते हो ना, जैसे आप मेटल्स के बारे में जान गए हो यहाँ पर, तो आप यहाँ नॉन मेटल्स के बारे में लिख दोगे. ठीक है, और एक और चीज मैं आपको 2 डिफरेंसेस और बताऊंगा लास्ट में, पहले अभी ये कर लें अपन. क्या लिखा है, मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन इसका सोडियम है. तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, नॉन यहीं पे लिखूंगा मैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. ठीक है ना, सॉफ्ट. ठीक है, आ जाओ आगे. और नॉन मेटल्स आर नॉट
मेलिएबल, ये मेलिएबल MELLEABLE ना, मेलिएबल नहीं होते। और दूसरा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते, ना तो ये मेलिएबल होते हैं ना तो ये डक्टाइल होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलो दूसरा लास्ट पॉइंट वो ये कि ये सॉफ्ट होते हैं, ये तो मैंने बता दिया। हाँ लास्ट पॉइंट मैं क्या बता रहा था आपको कि जो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं नौ, अच्छा हाँ एक मिनट, जो हमारे मेटल्स हैं, जो हमारे मेटल्स हैं ये कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। और हार्ड भी, हार्ड आप जानते हो, हार्ड का जो मतलब एक्सेप्शन है ना सॉफ्ट, वो तो सोडियम है, ये तो आप समझ गए। और जो यहाँ पर सॉलिड का एक्सेप्शन है कौन है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी कैसा है, लिक्विड मेटल है, मर्क्यूरी इज द लिक्विड मेटल, ठीक है ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो याद रखनी है यहाँ पर वो कि नॉन मेटल्स में आपको ऐसा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड, ये भी सॉलिड है, जनरली ये भी सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, मतलब कौन ऐसा बिहेवियर नहीं शो करता जनरली रूम टेम्परेचर पर, वो है ब्रोमीन, कौन है ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और अभी जो NDA का पेपर हुआ था रिसेंटली इस संडे को, उसमें ये सवाल आया है, ठीक है, मैं उसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉलो होता है ना, MCQ होता है, तो उसमें ये सवाल आया है, ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे डायरेक्ट मेटल नॉन मेटल की जगह लिखा था एलिमेंट, ओके, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर क्या होगा, मर्क्यूरी और ब्रोमीन, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपकी बुक का ही सवाल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रोमीन, ओके। चलो तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा NCERT को, फिर हम आज की क्लास को करते हैं ओवर, ओके। यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, हाँ ये आ गया, ठीक है चलो। इसके बाद हम एक और यहाँ पर देखेंगे, ये कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आएगा अगला, ठीक है। कैन यू नेम सम मेटल विच आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, तो आंसर है एल्यूमिनियम और स्टील, है ना, इनके बर्तन बनाए जाते हैं, सिल्वर के भी बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग राजा महाराजा जो खानदान से होते हैं वो तो बोलेंगे हम चांदी की प्लेट में खाना खाते होंगे, पर चांदी को आप गैस पर रखकर काफी कम संभावना है कि आप उसकी कढ़ाई में खाना बनाते हो, ठीक है। जनरली किसके बनाए जाते हैं, आपके एल्यूमिनियम के, कॉपर के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, और आपके एल्यूमिनियम कॉपर के, सिल्वर के और स्टील के, है ना, इसी के बनाए जाते हैं, ओके चलो हो गया ये सब। हाँ लेट अस फॉलो ये एक्टिविटी, ये बस बेसिकली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा हूँ, हीट दिखा रहा है आपको, ये जो एल्यूमिनियम है कि रॉड है आपकी, ठीक है, मेटल वायर है आपकी एल्यूमिनियम की या कॉपर की, जो भी आप ले सकते हैं, उस पर आपने क्या लगाई है, छोटी सी वैक्स लगाई है, यहाँ पे बहुत छोटा सा वैक्स लगाया है। जब आप यहाँ से इसको बर्नर से जला रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर होते 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 कहाँ पहुंच जाएगी, इस मैटर इस यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, और ये वैक्स जो है वो पिघलना चालू हो जाएगी। ये यही दिखा रहा है कि जिस वायर और जिससे ये बनी हुई है वायर, वो मेटल है, तो मेटल कैन कंडक्ट हीट, ओके। ये हो गई बात खत्म यहाँ से। एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बताता हूँ, वो चीज क्या, अगर तुम्हें याद हो, वैसे याद होना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है याद हो, ठीक है, 7th क्लास में तुमने कोई चीज पढ़ी होगी, हीट का ट्रांसमिशन, ठीक है, तो यहाँ पे जिस मोड से हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, हीट ट्रेवल कर रही है, वो है कंडक्शन, क्या है, कंडक्शन, ठीक है, कौन सा मोड यूज हो रहा है यहाँ पे हीट के ट्रांसमिशन का, कंडक्शन, ठीक है। जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करें और हीट का ट्रांसफर हो, तब समझ जाओ क्या वहां पे कौन सा मोड है, कंडक्शन, है ना। चलो
सब हो गया। हाँ, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इनका, क्यों होता है? बिकॉज तभी तो आप इनका इस्तेमाल कर पाओगे ना, ऐसी जगहों पर खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हो, है ना, और मेल्ट नहीं होता आपका वो आपका मेटल। और यहाँ पर भी आप देख रहे होगे इस एक्टिविटी में भी, ये कॉपर वायर या एल्यूमिनियम की वायर है वो मेल्ट हो जाएगी क्या? आंसर है नहीं होगी, ठीक है। और अगर एक और मैं आपको एक बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है, हाईएस्ट मेल्टिंग, यहाँ पे लिख दूंगा, हाँ, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का होता है वो होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन, दैट इज व्हाट, डब्ल्यू, इसका सिंबल होता है डब्ल्यू, ठीक है, टंगस्टन। वहां चेक कर लेना, शायद 3300 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, 3300 डिग्री सेल्सियस या 3400 डिग्री सेल्सियस, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, चेक कर लेना, ठीक है। एकदम ही वो वाला फैक्ट है ना, इसलिए नहीं पता, बट ये पता है कि सबसे हाईएस्ट कौन है ना, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, 3400 या 3300 होता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल पे भी कर सकते हैं और एनसीईआरटी में भी कर सकते हैं वहां पर, ठीक है, ओके। चलो अब आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का। अब ये जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, होपफुली आपको अब तक जो भी बताया हो समझ आया हो, है ना। मैं और लंबा नहीं करना चाहता लेक्चर को, ताकि आप जो है छोड़ के ना भाग जाए, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। तो हम कोशिश करेंगे छोटी छोटी ही क्लासेस को रखें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को उसमें बता दें, ठीक है। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखो, पढ़ते लिखते रहो यार, और बस खुश रहो, है ना। चलो बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तनुष करोड़ एजुकेशन, बाय बाय।